क्या केजरीवाल की तरह ही अखिलेश इंतजार कर रहे हैं कि कब योगी अपनी विधानसभा सीट का ऐलान करें ताकि वहीं से अखिलेश भी टक्कर में खड़े हो जाए। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ऐसे ही हराया था, तो क्या अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी को हराने की कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं? बता दें कि खबर है यूपी में राजनीतिक माहौल गर्म है। अखिलेश और योगी के लिए विधानसभा सीट खोजी जा रही है, जहां से ये दोनों दिग्गज चुनाव लड़ने को आतुर है। योगी को लेकर पहले ही मथुरा हो रहा था, लेकिन अब अयोध्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती है उनका प्रमुख नेता जहां से चुनाव लड़े वहां जीत के मार्जिन का इतिहास रच दिया जाए। लेकिन पीछे पीछे अखिलेश भी लगे हुए हैं। अखिलेश जो कि पहले मना कर रहे थे चुनाव लड़ने की बात को, नकार रहे थे, अब उन्हीं के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है अखिलेश आ रहे हैं, विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहां से सैफई, इटावा, आजमगढ़, अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। ऐसे में उनके करीबी ये भी कह रहे हैं कि 2022 में योगी और अखिलेश का महामुकाबला देखने को मिलेगा। एक ही सीट पर योगी और अखिलेश लड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि लोहिया के आदर्शों पर बनी समाजवादी पार्टी क्या लोहिया के कदमों पर चल सकेगी? क्योंकि लोहिया जो कि खुद प्रधानमंत्री और कांग्रेस के गद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे में सवाल अखिलेश से है, क्या अखिलेश तैयार है लोहिया का यह चैलेंज स्वीकार करने के लिए? यदि हाँ, तो कब होगा इसका ऐलान? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लड़ा है वही खड़ा है। अब आप अरविंद केजरीवाल को ही देख ले, जो कि दिल्ली में लड़े, फिर मोदी से लड़ने वाराणसी भी पहुंच गए, जिसका डर मोदी के दिल में भी दिखा, और 2014 में वो दो सीटों से लोकसभा चुनाव भी लड़े। ऐसे में क्या अखिलेश भी स्वीकार कर सकते हैं ऐसी ललकार? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी खबरों को देखने के लिए अब आप भी बने रहें जनता कनेक्ट के साथ। धन्यवाद।